उज्जैन के पास उन्हेल रोड पर सोमवार दोपहर को चलती कार में भीषण आग लग गई। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। कार में सवार दो लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर उन्हेल के पास शंकर सोलंकी इंगोरिया से अपनी क्रेटा कार में सवार होकर नागदा के अमलावादिया गांव जा रहे थे। इस दौरान चलती कार में धुआं उठते देख कार सवार शंकर और उनके मित्र गाड़ी से बाहर निकले ही थे कि कुछ ही देर में गाड़ी ने आग पकड़ ली। कार सवार कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी कार जलकर खाक हो गई। कार में लगी आग की खबर के चलते थाना उन्हेल पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। हालांकि यह गनीमत रही कार सवार दोनों लोग सुरक्षित कार से बाहर निकल गए थे जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। गाड़ी में सवार शंकर सोलंकी ने बताया कि क्रेटा कार से गांव जाते समय गाड़ी में धुआं उठता देख बाहर निकले थे कि कार में आग लग गई। जल्द ही कार में लगी आग फैल गई। कार जलकर खाक हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।